तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हाउ टू ड्रॉ फिक्स्चर्स ऑन नॉकआउट बेसिस। नॉकआउट बेसिस के फिक्स्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, तो उसमें हम एग्जांपल ले रखा हमने। इसमें फिक्स्चर ड्रॉ करना है 11 टीम्स का नॉकआउट बेसिस पे। तो जब भी मैं फिक्स्चर ड्रॉ करने के लिए आएगा, तो फिक्स्चर किस लिए बनाते हैं, जो टीम मैच खेलते हैं आपस में उन्हीं के लिए। तो सबसे पहले जो फिक्स्चर ड्रॉ होता है वो दो हाफ में ड्रॉ होता है, एक अपर हाफ होता है एक लोअर हाफ होता है। तो सबसे पहले हम यही निकालेंगे नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ। अपर हाफ में टीम कितनी होंगी, अपर मतलब ऊपर की बात हो रही है तो ऐड करेंगे हम। तो उसका फॉर्मूला होता है n+1/2। n मतलब होता है नंबर ऑफ टीम्स प्लस 1/2। 11+1/2 आ गया हमारा 6। तो अपर हाफ में हमारी 6 टीम होंगी। वही लोअर हाफ में, लोअर नीचे वाले हाफ की बात हो रही है, तो n-1/2 होगा। नंबर ऑफ टीम्स कितनी थी हमारी, 11 थी। तो 11-1/2 10/2=5। तो 5 टीम्स होंगी हमारी लोअर हाफ में। उसके बाद निकालते हैं हम नंबर ऑफ बाइस। नंबर ऑफ बाय, बाय कितनी देनी है हमें टीम को। तो बाय निकालने के लिए हमें लेनी पड़ती है 2 की नेक्स्ट हाईएस्ट पावर। 2 की नेक्स्ट हाईएस्ट पावर मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और तब तक करेंगे तब तक नंबर ऑफ टीम्स का हाईएस्ट 2 का मल्टीपल नहीं आ जाता। तो ये जैसे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो नेक्स्ट हाईएस्ट पावर आ रही है हमारी 16। नंबर ऑफ टीम्स हमारी 11 थी और नेक्स्ट हाईएस्ट पावर है 16। 8 हम नहीं लेंगे क्योंकि 8 उससे लेस है और 32 ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए नहीं लेंगे। तो हमारी नेक्स्ट हाईएस्ट पावर आ रही है 16। तो नंबर ऑफ बाइस कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ बाइस का फॉर्मूला होता है नेक्स्ट हाईएस्ट पावर माइनस नंबर ऑफ टीम्स। तो 16 हमारी नेक्स्ट हाईएस्ट पावर थी, उसमें से नंबर ऑफ टीम माइनस कर देंगे 11, तो आ जाएगी हमारी 5। तो हमें देनी है इसमें टोटल 5 बाइस हो गई हमारी। अब बाइस जो होंगी वो कैसे बांटेंगे दोनों में, अपर हाफ में बाय होंगी लोअर हाफ में भी। उसके लिए क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ बाइस इन अपर हाफ। अपर हाफ में जो नंबर ऑफ बाइस होंगी, जो फॉर्मूला नंबर ऑफ टीम निकालने का था उसका अपोजिट कर देंगे सिर्फ। इसमें नंबर ऑफ बाय ऊपर वाले में माइनस करेंगे और नीचे वाले में ऐड करेंगे। नंबर ऑफ बाइस एन बी मतलब नंबर ऑफ बाइस माइनस 1/2। तो 5 में से 1 गया 2, तो 2 बाइस होंगी अपर हाफ में। और नंबर ऑफ बाइस इन लोअर हाफ, तो लोअर हाफ में एन प्लस 1/2। तो 5 में 5+1/2 6/2=3। तो 3 बाय होंगी लोअर हाफ में। तो लोअर हाफ में 3 बाय देंगे और ऊपर वाले में 2 बाइस देंगे, तो टोटल 5 बाइस हो जाएंगे हमारी। उसके बाद निकालते हैं हम नंबर ऑफ राउंड्स। नंबर ऑफ राउंड्स निकालने के लिए अभी जो हमने ये फॉर्मूला लगाया था, हमने 2 को कितनी बार नेक्स्ट हाईएस्ट पावर के लिए मल्टीप्लाई करा, वो राउंड है। जैसे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 आया था। तो 1 2 3 4, 4 को हमने 4 बार यूज़ करा था, 2 को हमने 4 बार यूज़ करा था, 1 2 3 4, तो हमारे 16 आया था। तो ये हो गए 4 राउंड्स। तो टोटल 4 राउंड होंगे इसके। उसके बाद निकालें कितने मैच होंगे टोटल, तो जितनी टीम होंगी उसमें से 1 लेस कर दो, पता चल जाएगा इतने मैच होंगे। क्योंकि वो जो एक फिक्स्चर वाली टीम होती है वो, तो इस वीडियो हम ड्रॉ करेंगे फिक्स्चर जो 11 टीम्स का हमने पिछली बार निकाला था। तो सबसे पहले हम लेंगे नंबर ऑफ टीम्स लिखेंगे यहाँ पर, हम कितने टीम्स थी हमारी टोटल, टीम्स लिखेंगे हमारी 11 टीम्स थी। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11। तो जो हमारी टीम्स थी हमने लिख ली, फिर हमने निकाला था कि अपर हाफ और लोअर हाफ। अपर हाफ में हमारी 6 टीम्स थी, अब लाइन ड्रॉ कर देंगे। अपर हाफ हमारी 16 थी, हमें भी मेंशन कर देंगे अपर हाफ। और जो हमारी 5 टीम्स थी नीचे की, वो थी हमारी लोअर हाफ की, तो यहाँ मेंशन कर देंगे लोअर हाफ। उसके बाद हमने निकाले थे इसमें कितने राउंड होंगे, 4 राउंड होंगे इसमें। तो राउंड लिख देंगे, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड। तो सबसे पहले आप टीमों को डालना, टीम हमारी होगी सबसे पहले हम देते हैं बाय इसमें। तो सबसे पहली जो बाय होती है फर्स्ट मोरल जाती है लास्ट में, तो फर्स्ट बाय जाएगी लास्ट टीम को, 11 नंबर वाली टीम को। सेकंड जो बाय होगी
वो जाएगी हमारी वन नंबर वाली टीम को। थर्ड जो बाय होगी वो लोअर हाफ की जो हमारी टीम थी उसमें जो नंबर वन पे है, ये होगी थर्ड बाय हमारी। और इसी के ऊपर ऊपर वाले में सबसे लास्ट में सिक्स नंबर की टीम हो जाएगी फोर्थ बाय, और उसके बाद फिफ्थ बाय, फिर वही सबसे नीचे। एक बार और दोबारा समझ लीजिए, बाय सबसे बाय, सबसे पहली बाय सबसे नीचे, सेकंड बाय सबसे ऊपर, थर्ड बाय नीचे वालों में सबसे ऊपर लोअर हाफ में सबसे फर्स्ट वाली टीम को, फोर्थ बाय अपर हाफ में सबसे नीचे वाली टीम को, मतलब नीचे फर्स्ट, इधर फर्स्ट इधर लास्ट, और उसके बाद फिर दोबारा से स्टार्ट कर देंगे, इधर लास्ट फर्स्ट फर्स्ट लास्ट, ठीक है। तो बाय बाय क्या, और बाय की एक और प्रॉब्लम है, जो बाय वाली टीम होती है वो फर्स्ट राउंड में नहीं खेलती, तो बाय वाली टीम फर्स्ट राउंड में खेलेंगी नहीं, तो बाकी बची टीमें वो फर्स्ट राउंड में खेलेंगी। तो बाकी कौन कौन सी बची, टू और थ्री, तो टू और थ्री खेलेंगी फर्स्ट राउंड में, इधर फोर और फाइव खेलेंगी फर्स्ट राउंड में, और नीचे लोअर हाफ में खेलेंगी सेवन और एट टीम। तो फर्स्ट राउंड में हमारी विनर होगी टू, इधर से फोर, इधर हमारी विनर हुई एट, तो ये जो टीमें विनर हुई ये जाएंगी अब सेकेंड राउंड में। अब सेकेंड राउंड में जो बाय वाली टीम है वो भी खेलेंगी, तो बाय वाली टीम आ गई सेकेंड राउंड में, और टीम नंबर टू, इन दोनों का होगा सेकेंड राउंड में मैच। इधर से फोर हमारी विनर थी, और ये सिक्स नंबर वाली बाई की टीम, इनका होगा सेकेंड राउंड में मैच। तो इसमें हमारी विनर हो गई फोर नंबर की टीम, इसमें विनर है हमारी सेकेंड। उसके बाद जो ये नीचे वाली लोअर हाफ में थी बाई वाली टीम खेलेगी एट नंबर की टीम से, इसमें हमारी एट विनर है। और लास्ट में जो दोनों बाई की टीम है, जो लास्ट में दोनों बाई की टीम है वो खेलेंगी, इसमें विनर हमारी टेन नंबर की टीम। उसके बाद थर्ड राउंड आएगा, थर्ड राउंड होता है हमारा सेमीफाइनल, तो सेमीफाइनल में चार टीमें पहुंच गई हैं, इनका होगा पहला सेमीफाइनल अपर हाफ का टू और फोर, इसमें हमारी टू विनर है। फिर होगा लोअर हाफ का सेमीफाइनल एट और टेन टीम का, इसमें हमारी टेन विनर्स है, और जो सेमीफाइनल में विनर होगी वो जाएगी हमारी फाइनल्स में, हमारे फोर्थ राउंड में, इन दोनों का होगा फाइनल, इसमें हमारी टेन, तो टेन टीम हमारी हो गई टूर्नामेंट की विनर, और ये हो गया हमारा फिक्सचर ख़त्म। तो काफ़ी सिंपल है फिक्सचर, सबसे पहले मैं इसे कैलकुलेशन जो की है सिर्फ उसे प्लेस करना है, मेन इसमें बाय का होता है, फर्स्ट बाय इधर जाएगी, सेकंड बाय सबसे ऊपर, फिर थर्ड बाय लोअर हाफ में सबसे ऊपर, इधर सबसे नीचे, फिर हम टीमों को राउंड वाइज खिलाएंगे, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड थर्ड राउंड फोर्थ राउंड। सेकेंड राउंड हमारा क्वार्टर फाइनल्स होता है, प्री क्वार्टर फाइनल्स, ये सेमीफाइनल, और ये हमारा फाइनल्स। तो ये हो गया हमारा 11 टीम का नॉकआउट फिक्सचर।